हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिज़िक्स क्लास आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे आ, पैटर्न ऑफ पेपर जो फाइनल एग्ज़ाम में आएगा तो ये आ, पेपर है 2019 का मॉडल पेपर जो काउंसिल ने दिया था तो फ़िज़िक्स का जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है टोटल जिसमें थ्योरी होगा 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल का होगा तो इस सेवेंटी मार्क्स के पेपर में ट्वेंटी थ्री पासिंग मार्क्स है और ये तीन घंटे का पेपर होता है इसको टोटल फोर सेक्शन में डिवाइड किया गया है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी एंड सेक्शन डी तो सेक्शन ए जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है दिस इज सेक्शन ए और इसमें फिफ्टीन क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन एक मार्क्स का टोटल मार्क्स है फिफ्टीन तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन होगा और चार ऑप्शन है इसमें ए बी सी डी तो ये चार ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस तरह से इसमें फिफ्टीन क्वेश्चन हुआ और फिफ्टीन मार्क्स है जो कि अच्छा खासा वेटेज है सेवेंटी मार्क्स के पेपर में तो ये 15 क्वेश्चंस हो गया सेक्शन ए में दिस इज अप फिफ्टीन इसके बाद सेक्शन ए के बाद आता है सेक्शन बी तो सेक्शन बी में सेक्शन बी में टोटल आठ क्वेश्चन होगा और इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है मतलब के आठ क्वेश्चन है आठ का ही आंसर करना है तो इसमें एक क्वेश्चन होगा टू मार्क्स का तो टू इंटू एट इज़ सिक्सटीन दिस इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला तो सिर्फ डेफिनेशन और इसका डायमेंशन लिखना है ये टू मार्क्स का है सो वॉट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ़ दी मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा जाएगा और आठ क्वेश्चन ही दिया जाएगा और आठ का आंसर करना है इसके बाद है सेक्शन सी सेक्शन सी में भी टोटल आठ क्वेश्चन होगा तो सेक्शन सी में भी आठ क्वेश्चन है लेकिन ये थ्री मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन तो टोटल मार्क्स फ्रॉम दिस सेक्शन इज तो 24, तो इसमें क्या है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप है ये वाला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम तो ये इतना छोटा नहीं है इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है डेरिवेशन है इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया वॉट इज इक्वीवैलेंट लेंस द इक्वीवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इज गिवन दिस और इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है पावर फाइंड करना है इक्वीवेंट फोकल लेंथ फाइंड करना इस तरह का इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन या न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है इसके बाद आता है तो इसमें भी आठ क्वेश्चन होगा टोटल और आठ का ही आंसर करना है तो कोई ऑप्शन नहीं होगा इसके बाद है लास्ट पार्ट दैट इज सेक्शन डी तो सेक्शन डी में टोटल क्वेश्चन जो मिलेगा वो सिक्स मिलेगा और इसमें ऑप्शंस होगा इंटरनल ऑप्शंस है ईच क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का दिस इज लॉन्ग आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप में मतलब एक नंबर एक क्वेश्चन में फाइव मार्क्स है थ्री क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करना है आंसर करना है तो टोटल हो गया फिफ्टीन मार्क्स तो इसमें जो ऑप्शंस है वो इस तरह से होगा मतलब तो चॉइस दिया जाएगा जैसे कि ये क्वेश्चन है स्टेट क्रिच ऑफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट ऑप्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ वीट स्टोन ब्रिज इसमें ही ये जो क्वेश्चन नंबर एटीन है तो इसमें दो क्वेश्चन होगा दो में से एक अटम्प्ट करना है या तो क्रिच ऑफ लॉ या फिर ये ये वाला क्वेश्चन दैट इज ओम्स लॉ इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें तो ये एक हो गया फिर इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो इसमें भी ये ऑप्शन होगा या तो ये क्वेश्चन हाइगेंस प्रिंसिपल अटेम्प्ट करें या फिर डिफेक्ट्स ऑफ विजन तो इस तरह से दो में से एक करना है सिमिलरली जो लास्ट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें भी दो क्वेश्चन होगा और ये चॉइस है दोनों में से एक आंसर करना है तो सेक्शन डी में चॉइस मिलेगा लेकिन बाकी सेक्शन ए बी सी में कोई भी चॉइस नहीं है जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से सारे अटेम्प्ट करने हैं तो होप दिस इज़ क्लियर टू यू और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करें क्योंकि काफ़ी इसमें वेटेज है अगर गलत है तो बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा और अगर सही है तो करेक्ट वन मार्क्स मिलेगा तो फिफ्टीन मार्क्स सेवेंटी मार्क्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि पासिंग मार्क्स जो है वो ट्वेंटी थ्री है अगर ऑब्जेक्टिव में बारह या तेरह क्वेश्चन अगर सही हो जाए तो दूसरे सेक्शंस में कम भी हो तो पासिंग मार्क्स मतलब सेफ साइड तो हो ही जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए हर चैप्टर को थॉरोली पढ़ें और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करते रहें तो बहुत आसान हो जाएगा सो दिस वॉज़ सेट वन और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स और होप दिस इज़ क्लियर टू यू तो थैंक यू